झरिया में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। बीजेपी नेताओं ने गिनाए केंद्र सरकार के काम, कहा 2024 में फिर बनेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान के तहत बुधवार को झरिया के जामाडोभा स्थित डिग्री कॉलेज प्रांगण में विकास तीर्थ यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसके बाद धनबाद सांसद और भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह अपने समर्थकों के साथ जोड़ा पोखर और सुदामडी दामोदर पुल पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए सांसद पशुपति नाथ सिंह ने विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी दी। 2014 के पूर्व अपने देश की स्थिति के बारे में आम लोगों को बताया और 2014 के बाद आज देश हर दिशा में प्रगति कर रहा है। विश्व स्तर पर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा कि देश में सामाजिक प्रतिबद्धता मजबूत हुई है, देश के हर वर्ग का जीवन स्तर उत्तम हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं में मजबूती आई है। ऐसे में समाज के विशिष्ट जनों से आग्रह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें और आगामी 2024 चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देकर देश को और प्रगति की ओर बढ़ाने में सहायक बने। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा राज्य सरकार में अनेकों विकास कार्य हुए, जिसका प्रमाण यह डिग्री कॉलेज दामोदर पुल, जिसके बनने से दो राज्य झारखंड से बंगाल पुरुलिया की दूरी भी घटी, जिससे लोगों को आने जाने में सहूलियत हुई। जगह पे जैसे डिग्री कॉलेज आज पुल पे और ऐसे कई जगह जो रोड का निर्माण हम लोग किए हैं, जहाँ साफ अग्नि प्रभावित एरिया जो आज के जो भी विधायक या सरकार बोले तो अग्नि प्रभावित एरिया में रोड नहीं बनता, जो हम लोग आज जगह जगह वो रोड आज भी 15 साल 10 साल रोड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वैसे जगह पर हम लोग तीर्थ स्थल और उसको रुपये जनता तक जन जन तक हम लोग जाने का काम करेंगे कि किस तरह से। और आप देख रहे हैं कि कॉलेज भी अभी भी हम लोग वहीं पर। कब से पढ़ाई होने का चांसेस है? मैं अब देखिए हम लोग तो बंगला भवन तैयार कर दिए हैं, लेकिन भ्रष्ट सरकार में इसका कोई गारंटी नहीं है। पार्टी का अभियान चला रही है मोदी सरकार के 9 वर्ष, उसको जनसंपर्क अभियान के तहत और इसी में कई प्रकार के कार्यक्रम किए हुए, जिसमें आपने देखा कि लाभार्थी सम्मेलन हुआ, जनसभा यहाँ रेस्को स्टेशन में हुआ, फिर हम लोग टिफिन जो वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठे, फिर व्यापारियों के साथ बैठे और इसी तरह से विभिन्न माध्यमों से जनसंपर्क मोदी सरकार के 9 वर्ष के जो अच्छे अच्छे काम किए, विकास के काम किए, देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किए, देश के गरीबों के उनका जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम जो प्रारंभ किए और उसका प्रतिफल मिला है, पीने के पानी की व्यवस्था की है, यह सारे कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे जिस समय मोदी सरकार और हमारे डबल इंजन की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की, स्कूल का भी निर्माण उसी सरकार की देन है, फिर यहाँ डिग्री कॉलेज बना है झरिया में, नेशनल हाईवे या जो डिक्लेयर हुआ 6 महीना पूर्व और आज अच्छी सड़कें झरिया के लोगों को मिल रही है,
बहुत सारे बातों के लिए जगह जगह जाकर कर। डिग्री कॉलेज में सर पढ़ाई कब से शुरू हो जाएगी? डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कब से शुरू होगी सर? तो इसी सत्र से अनाउंस किया है, लेकिन ऑटोनॉमी है उनका यूनिवर्सिटी, या अगर हमारी सरकार रही होती तो उस आरएसपी कॉलेज यहाँ बन गया होता, लेकिन उसमें उनकी सरकार बदली और इनकी प्राथमिकता में फिर 300 करोड़ रुपया झरिया के जलापूर्ति योजना का हमारी सरकार ने स्वीकृति दिया, जो अभी बहने आकर यहाँ पर सुदाम जी रिवर साइड का पाइप टूटा हुआ है उसको बदलने के लिए अगर हमारी सरकार रही होती तो आज वो पाइप भी बदल गया होता। और यह है झरिया का 300 करोड़ रुपया के जलापूर्ति योजना में 30 करोड़ रुपया भी अभी खर्च नहीं हुआ है, यह 4 बरस से अधिक हो गए, 5 बरस, और झरिया के लोग पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। यह सारी समस्याएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कालखंड में केंद्र में तो जो आज विकास हो रहा है वो पूरा दुनिया स्वीकार कर रही है, दुनिया के लोग विदेशों में अमेरिका स्वीकार कर रहे हैं वह तो, लेकिन राज्य सरकार में विकास के कार्य ठप हो गया है। वह दोनों बातें हम लोग जनता के लिए